हेलो याली मदर, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। वेलकम टू द नूरिस किचन। आज नूरिस के किचन में क्या बनाएंगे? आज बहुत ही अच्छी मजे की टेस्टी चाट बना रहे हैं। ये आलू छोले हैं और लाल खट्टे तीखे आलू है। बहुत ही टेस्टी होता है ये, बहुत मज़ा आती है समर में खाने के लिए। बहुत ही जायकेदार है, चटपटा सा है। तो चलो बताती हूँ मैं इसमें अपने को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आलू छोले के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ। आलू छोले के लिए 1 पाउंड छोले लिए, इसको रात को भिगोया है, सोडा डाल के रखा था रात को, फिर सुबह को इसको बॉईल किया है। तो यह 1 पाउंड आलू है, छोले है, और ये 1 पाउंड आलू है, इसको भी बॉईल करके फिर इसको पीसीस करके रखिए। यहाँ पे ये 2 पाउंड व्हाइट आलू लिए थे, ये लाल खट्टे तीखे आलू के लिए, तो इसको भी मैंने बॉईल करके और काट के रखा है। ये आलू के लिए मैंने यहाँ पे कड़ी लीव्स लिए, ये कोई 25 जितने कड़ी लीव्स है, तो ये मैं आलू में डालूंगी। यहाँ पे ये सफ़ेद जीरा है, ये भी थोड़ा आलू में डालूंगी, थोड़ी चटनी में डालूंगी। यहाँ पे नमक है, अपने हिसाब से आप नमक डालना। यहाँ पे पुदीना है और धनिया पत्ती है, ये 1 बंच वर्क पुदीना है और 1 बंच है ना तो धनिया पत्ती है, इसको मैंने धो के ने चॉप करके रखा है। यहाँ पे ये इमली की चटनी है, इसमें मैंने इमली को रात को भिगोया है, इसके अंदर मैंने गुड़ डाला था, सफ़ेद जीरा डाला था, 3-4 कड़ी लहसुन की डाली थी और खजूर डाले थे, और फिर गुड़ इसको सबको भिगो के रखा, और फिर इसको मैंने सुबह को पीस दिया है। अभी इसको मैं आपको बताऊँगी बॉइल करके। यहाँ पे ये मैंने लाल मिर्च की चटनी बनाई है लाल आलू के लिए। ये लाल आलू की चटनी के लिए मैंने बड़ी बड़ी लाल सूखी मिर्च ली थी, इसको भिगोए, फिर इसमें सफ़ेद जीरा डाला, इसमें लहसुन डाला, और फिर इसको पीस के ने मैंने रखा है। तो ये सब चीज़ें अपने को आलू छोले के लिए चाहिए। ये लाल चटनी के इंग्रेडिएंट्स है, ये लाल बड़ी मिर्च है सूखी, यहाँ पे ये दूसरी लाल छोटी मिर्च है, यहाँ पे 8 से 10 कड़ी लहसुन की है, 1 टेबल स्पून भर कर ये वाइट क्यूमन सीड है, 12-15 करी पत्ते हैं, यहाँ पे ये सॉल्ट है 1 चमची, यहाँ पे 3-4 चम्मच तेल है, यहाँ पे ये साइट्रिक एसिड पाउडर है, नींबू के फूल, ये सब चीज़ें अपने को लाल मिर्च की चटनी के लिए चाहिए, लाल आलू के लिए। यहाँ पे मैंने देगची रखी है सॉस पैन, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, 1 चम्मच के जितना तेल डालेंगे, थोड़ा तेल गर्म होएगा, इसमें थोड़ा सा मैं ये सफ़ेद जीरा डालूंगी, थोड़ा क्रैकर होएगा, इसको 1 पिंच के जितना मैं एसोफिटिया डालूंगी हींग, ये क्रैकर हो गया, इसमें आपको ये चटनी डालूंगी, पीस के रखिए ना। अब इसको गरम करके डालेंगे ना तो कभी भी अपना गला वाला ख़राब नहीं होएगा, और ये चटनी है ना तो 3 महीने तक ख़राब नहीं होती है, ऐसी की ऐसी रहती है। तो आप बना के बॉटल भर के रख दो फ्रिज में, बहुत अच्छी टेस्टिंग चटनी बनती है ये। इसको 5 मिनट तक उबलने देंगे, जब तक ये उबलती है तो अपन दूसरी साइड पर आलू बना रहे। देखिए रखिए, देखिए के अंदर मैं ये तेल डाल रही हूँ, तेल थोड़ा गर्म होगा, इसमें ये लहसुन डाल देंगे, लहसुन को थोड़ा सौते करेंगे, ये
से भी काट रहे हैं। बंद कर दिया, आलू के लिए मैंने यहाँ पे देगची रखी है। देगची में मैं तेल डाल रही हूँ, तकरीबन आधे कप के जितना तेल डालेंगे। ये तेल थोड़ा गर्म होएगा, तेल गर्म हुआ तो इसमें ये कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्ते के साथ ये जीरा डाल देंगे। जीरे के साथ ये अपनी चटनी डाल देंगे। मजे का लाल कलर है, लाल मिर्च है, बड़ी वाली लेते हैं ना, बहुत अच्छी टेस्टी होती है, बहुत तेज भी नहीं होती है, अच्छी होती है। उसमें अपन थोड़ा नमक डालेंगे अपने हिसाब से। ये आलू डाल देंगे। अब ये छोले आलू है ना जो बॉईल करके रखे, देखो इसमें अपन ये चटनी बनाई ना, ये डालेंगे आपके हिसाब से। डालू आपको जितनी डालनी होगी इतनी। इसमें और भी चटनी चाहिए अभी। अब इसमें अपन धनिया पुदीना डालेंगे। छोले तैयार हो गए। इतनी आसान रेसिपी है। आजकल तो पता है डब्बे में है ना बॉयल चने भी मिलते हैं, तो आप वो उससे भी बना सकते हैं। बॉयल चने से वो चने थोड़े सख्त होते हैं, तो उसको भी 5 मिनट के लिए बॉयल कर दो, एक सीटी बजा लो, तो वो भी अच्छी मात्रा के बॉयल हो जाते हैं। छोले तैयार हो गए, अब इसको अपन डिश आउट करेंगे। इतना अच्छा मजे का कलर आया है चटनी का। इसमें ना मैंने इमली जो डाली है ना, वो काली इमली है, वो आती है सीडलेस काली इमली, वो मैंने ली थी। आपको जो इमली पसंद है आप ले सकते हो, उसमें सीड्स नहीं होते हैं, तो अच्छी तरह से भीग जाती है और फिर अच्छी तरह से इसको अपन पीस सकते हैं। ये आलू सेट हो गया है, देखो इसका कितना अच्छा मजे का कलर निकला है। फिर अपन सब थोड़ा सा आप डालेंगे धनिया पुदीना। अभी अपन आलू को डिश आउट करेंगे। देखो कितने मजे के लाल आलू बने, खट्टे तिखे। अभी इसको अपन डिश आउट करते प्लेट में। सफेद आलू लेते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं, ये टूटते नहीं है। देखो आलू तैयार हो गए, इसके ऊपर भी अपन धनिया पुदीना डालेंगे। देखो ये आलू छोले तैयार हो गए, कैसे मजे के मस्त बने हैं। देखो कितने मजे के मस्त बने आलू छोले, है ना, अच्छे टेस्टी लगते हैं ना। मुंह में पानी आ गया, बहुत मजे के, बहुत जायकेदार है, यमी यमी है, चटपटे से है। हेलो, देखो ये आलू छोले तैयार हो गए, बहुत ही चटपटे से है, बहुत ही मज़ेदार है, जायकेदार है, टेस्टी है, खट्टे मीठे तीखे आलू छोले है, बहुत ही मज़ा आएगा खाने में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। ये छोले है, ये छोले बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है, जायकेदार है, बहुत ही अमी अमी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, चट से बन जाते हैं। यहाँ पे ये आलू है, आलू भी बहुत अच्छे है, टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार है, खट्टे मीठे तीखे है,
बहुत टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों चीज़ों बनाने के लिए। ये बहुत मज़ा आता है खाने में, पार्टी में बना सकते हो, दावत में बना सकते हो, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट में डालो, आपको पसंद आई नहीं आई, मज़ा आया खाने में तो ज़रूर कॉमेंट करो। चलो अगली रेसिपी तक खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, दुआ में याद रखना, बाय, अल्लाह हाफिज़, इंजॉय।